तो गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ वादी दीसा के बारे में, जो कि तब्बूक से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ते में हमें गधे मिले हैं, गधे गधों को गधे मिले ये सही है भाई, देख लो भाई, फुल इसको कहते हैं एंजॉयमेंट। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? चलो भाई चलो चलो, आराम से आराम से, रोड थोड़ा प्यूदा नहीं है। तो गाइस मैं आ गया हूँ, ये देख लो पहाड़ी मेरे सामने। और यहाँ से आप लोग गाड़ी लेके आगे नहीं जा सकते, मना है, आप जा ही नहीं सकते जब तक आपके पास ऐसी गाड़ियाँ ना हो। वो देख रहे कैसे गई, वो वैसी वैसी गाड़ियाँ ना हो, वो गाड़ियाँ लाजिम होनी चाहिए। लेकिन वादी ये बहुत ज़बरदस्त है, ये पहाड़ सारे नेचुरल है और मज़ा आने वाला है। सऊदी अरब की सबसे खूबसूरत और नेचुरल वादी है, और कहा जाता है यहाँ की हवा बहुत साफ है। पहाड़ियों की हाइट 450 से लेके 1750 है। कोई पहाड़ियों के बीच में ये जो पानी आ रहा है, ये हमेशा यहाँ होता है। आप सर्दी में हो, गर्मी में हो, कब जब भी आएं, आपको यहाँ पे ये छोटी सी नहर बहती हुई मिलेगी। तो गाइस इस पहाड़ियों में मेरा ड्रोन गिरा, तो मैं पहाड़ी चढ़ाऊँ, ये आदमी है जिससे मेरी पूरी मदद की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए, लेकिन ऑलमोस्ट मौत देखी है। और ये मजाक नहीं है, अगर आपकी कोई चीज़ गिर जाती है ना, ड्रोन हो कुछ भी हो, उसको भूल जाओ, ऊपर ना चलो। आखिर मैं यही कहूँगा गाइस, आप लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं, आप हो तो मैं हूँ, जिस दिन आपने मेरा साथ छोड़ा मैं अकेला हो जाऊँगा। और आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो लाता रहूं। क्योंकि लोग कहते हैं सऊदी अरब में कुछ घूमने को है नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है जो आपको दिखाना है। इधर नॉर्मल गाड़ी वाली ना है, जीप है। और जैसे ही मेरा ड्रोन क्रैश हुआ, मैं उसको बचाने पहाड़ियों पर चढ़ गया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसकी भी कोई भी चीज़ इन पहाड़ियों में गुम हो जाए तो आप उसको लेने के लिए ऊपर ना जाएं, क्योंकि ऊपर चढ़ना तो आसान है, लेकिन वहाँ से नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल है।